दोस्तों, मैं दिनेश की ओर चैनल फाइव दी पे आपका स्वागत है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2019 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज हो गया। पूरे साउथ एशिया और चाइना के बीच में आया। सबसे ईमानदार देशों में टॉप पे न्यूजीलैंड, फिर डेनमार्क, फिर फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, वही जो हर साल रहते हैं सबसे ईमानदार हमेशा की तरह न्यूजीलैंड। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा भी अच्छे हैं, ब्रिटेन है और बाकी देश भी हैं जो बहुत ईमानदार हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड तो खैर नंबर वन पे है ही। पर जब नजर डालते हैं अपने एशिया पे और खासतौर से साउथ एशिया में, तो सिवाय करप्शन के कुछ नजर नहीं आता है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर पूरी लिस्ट आई तो देख के शर्म आती है। इंडिया पिछले साल 78 नंबर पे था, 180 कंट्रीज के अंदर इस साल दो प्लेसेस खिसक के 80 पे आ गया। करप्शन और बढ़ गया। चाइना 87 पे था, 80 पे आ गया। इंडिया से भी ज़्यादा करप्ट चाइना। श्रीलंका 89 था लास्ट ईयर, अब 93 हो गया, चार प्लेसेस और नीचे खिसक गया। वहाँ भी करप्शन बहुत ज़्यादा है। नेपाल थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, 124 से 113, 113 नंबर पे आया। पाकिस्तान और खिसक गया, लास्ट ईयर 117 पे था, इस साल 120 हो गया। और बांग्लादेश की हालत बदतर हो गई, 149 पे था, 146, मोस्ट करप्ट कंट्री इन द साउथ एशिया। दुख होता है देख के। मुझे बांग्लादेश से बहुत बार फीडबैक आती है अपने कॉलम्स पे, एपिसोड्स पे, कि करप्शन नहीं होता तो बांग्लादेश बहुत आगे जा सकता था, बहुत अच्छी तरक्की कर सकता था। ये करप्ट सिस्टम को सुधारना बहुत ज़रूरी है। इस सब का संबंध हमारे कैरेक्टर से है, हमारी इंटेग्रिटी से है, हमारी कॉन्शियसनेस से है, हमारी ट्रुथफुलनेस से, सच्चाई से है। लेकिन उस सच्चाई अब साउथ एशिया में कहीं नजर आती नहीं। दरअसल हम अपने ही क्या कहते हैं कि करप्ट होने के उसके जाल में फंसे हुए हैं, मकड़ी के जाल में फंसे हुए हैं। यह ईमानदारी की इज्जत नहीं है, बेईमानी की इज्जत है। जो ज़्यादा बेईमान है वो सबसे ऊपर है, चाहे पॉलिटिक्स में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, बाकी जगह हो, या इंडस्ट्री में भी हो। तो बेईमानी हर जगह है। अगर ये बेईमानी नहीं होती तो आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया की हालत नहीं होती थी, नेपाल और श्रीलंका की हालत नहीं होती। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में शायद नई जनरेशन, नया जोश, नया खून आए, नई कोशिश करें। लेकिन इंडिया में जो कोशिश होनी चाहिए थी ईमानदारी की, हो नहीं पाई और उस पर कोई सफलता नहीं मिल रही। हर साल हम गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं। सरकार ने कोशिश बहुत की, मोदी जी ने भी कोशिश बहुत की कि इंडिया ईमानदार हो जाए, पर ग्राउंड पर तो सिचुएशन चेंज ही नहीं होती ना। वो तो वैसी की वैसी है जैसी आज से 5-6 साल पहले थी, वही है। तो कंट्रीज जो स्ट्रगल कर रहे हैं देखा जाए तो इस टाइम, और हम तो खासतौर से हिंदुस्तान में, और ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका तो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, बॉटम पे। बॉटम तो नहीं कहा जाए, मिडल से थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं, लेकिन तो भी हालात तो बुरे ही हैं। बिना पैसे दिए तो कोई काम होता नहीं ना यहाँ पर। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा।